पर पड़ रहे हैं। डॉक्टर अंकल के पास समय नहीं है, मेरा चेकअप करवाना है। डार्लिंग, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं डॉक्टर अंकल के पास। ये बात मुझे भी पता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये हर वक्त मुझे परेशान करते रहती है। आप थोड़ा समझते नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, फिर मैं इतना दिक्कत में क्यों हूँ? ठीक है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, आप इसे टाइम से लेते रहिए। डॉक्टर साहब, क्या मैं आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कलकत्ता जा सकता हूँ? हाँ मिस्टर कुमार, आप कलकत्ता जा सकते हैं, बाकी सुनैना का ख्याल मैं। मनमोहन, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों जानू, ऐसी क्या बात है? क्योंकि मेरे जीजू तुम्हें पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है तुम मेरे दौलत के लिए मुझसे प्यार करते हो। जानू, हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में दौलत कहाँ से आ गई? अच्छा मनमोहन, आप मैं चलती हूँ, शाम को जीजा जी को कैलकटा जाना है, उनका फ्लाइट है। ठीक है जानू, तुम घर जाओ, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। अच्छा साले, मैं तुम्हारी जीजा जी को भी मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी मत बोलना। आज आप कलकत्ता जा रहे हो, कितनी बार गए हैं? एक भी हीरो का सीट नहीं मिला, इस बार लाएंगे ना? इस बार तुम्हें तुम्हारे मौका हीरो का सेट लाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक मीठी सी पॉपी तो बजाए। इस बार हीरो का हाथ नहीं लेता है ना, घर में घुसने भी नहीं दूंगी और आपको अपना पति भी नहीं मानूंगी। चीयर्स। अजीत, आज तुमसे एक बात कहनी थी, मैं जानता हूँ तुम कुमार के मैनेजर। अरे ये तो सारी दुनिया जानती है दलाल, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कुमार कलकत्ता जा रहा है 7 दिनों के लिए, उसी बीच मेरा काम कर दे। काम तो तेरा हो जाएगा दलाल, लेकिन मेरे पैसे मेरे टाइम के अनुसार मुझे मिल जाने चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पैसे 7वें दिन तुम्हारे मुंह फेंक दूंगा। बर्थडे मनाने में एक्सपर्ट की क्या बात है, किसी भी तरह से बर्थडे मना सकते हैं हम लोग। यार संजय, मेरी वाइफ का बर्थडे ना 1 अप्रैल को होता है, कुछ अच्छा सा शानदार शानदार आइडिया बताओ यार। क्या 1 अप्रैल? ओ माय गॉड, अरे यार तो 1 अप्रैल को तो हम लोग उसका बर्थडे ऐसा मनाएंगे, ऐसा मेरे दिमाग में एक आइडिया है
कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेगी। क्या बोलते हो तुम लोग, हमसे नौटंकी कराना चाहते हो? प्लीज पापा मान जाइए ना, सुनैना का बर्थडे गिफ्ट करने के लिए प्लीज एक बार मान जाइए। ये हो नहीं सकता हमसे। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, ये हमसे नहीं हो सकता। नौटंकी मत करो हमसे, मान जाइए एक बार। पहला बर्थडे है उसका। प्लीज अंकल जी, एक बार बात मान जाइए, इस बार भाभी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। चलो ठीक है, इस बार करके देखते हैं। हेलो सुनैना बेटा, मैं डॉक्टर अंकल बोल रहा हूँ। डॉक्टर अंकल, तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुमार आया कि नहीं? कुमार? हाँ, कल उनका शाम को फ्लाइट है। ठीक है, ओके, मैं तुम्हारा तबीयत जानने के लिए फोन किया था। ओके ओके अंकल, बाय अंकल। मेरी बात पत्नी पागल हो गई है, आप जितना जल्दी हो सके यहां पे आ जाओ। किसने बुलाया है मुझे यहां? मैंने। आप कौन? मैं मिस्टर कुमार। ओहो, आपने ही फोन किया था मिस्टर कुमार। बताइए क्या परेशानी है आपको? नाइस टू मीट यू। सेम हियर। पुलिस वाले? तुम तो पुलिस वाले नहीं लगते हो, तुम तो घसीटा लग रहे हो। अरे घसीटा? मुझे भी घसीटा ये समझ नहीं है। जब मेरा बोल दो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? इंट्रोडक्शन। क्या बात है घसीटा, तुम मैडम को मेरा इंट्रोडक्शन। मैडम ये सर रीतलाल सीतामढ़ी वाले। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये मेरी पत्नी है और ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। नहीं सर, ये मेरा पति नहीं है। अबे खसीटे, तो क्या इस बड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड। क्या बात है खसीटे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यार घसीटा। यस सर। आज ही हवलदार से इंस्पेक्टर बना हूं और इतना कॉम्प्लिकेटेड केस, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे यार एक काम करते हैं घसीटे, इनके किसी पड़ोसी को बुलाते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये आदमी इनका पति है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल सही तरीका। तो आप कौन भाई? मैं दलाल। आए? दलाल? क्या चीज की दलाली करते हो यार? अरे भाई दलाल नहीं, मेरा नाम है पीके दलाल। अच्छा अच्छा अच्छा, पीके दलाली करते हो। पीके किस चीज की दलाली करते हो? नहीं भाई, मेरा नाम है पीके दलाल। घसीटे पीके दलाल?
नहीं सर, इनका नाम है पीके दलाल। ओ पीके दलाल। अच्छा तो आप दलाल साहब ये बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, ये कौन है और ये कौन है और ये कौन है? आप है इंस्पेक्टर साहब, ये है कुमार साहब उनकी पत्नी और ये है हवलदार साहब। दलाल अंकल आप ही इस आदमी को मेरा पति मान रहे हैं, लगता है आप ही इन सब के साथ मिले हुए हो। नहीं नहीं सुनैना बेटा, आपको बता दूं यही तुम्हारे पति है। इंस्पेक्टर साहब आपको ये बता दें यही इनके पति है और दूसरी बात इनकी इलाज चल रही है डॉक्टर के पास, आप चाहो तो डॉक्टर को बुला के पूछ लो। हाँ इंस्पेक्टर, अगर यकीन नहीं हो तो थोड़ा सा मेरी बीवी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी रहता है, कभी कभी ये डॉक्टर से इलाज के लिए ना बोलो तो मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। कैसे गया? डॉक्टर को बुलाया गया, मौत का खड़ा बुलाया गया। आप कौन? मैं डॉक्टर। डॉक्टर क्या है डॉक्टर भाई, आप पूछना क्या चाह रहे हो? अरे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि किस चीज के डॉक्टर हो, दिमाग के हड्डी के किस चीज के डॉक्टर हो? आपको चाहिए क्या? अरे कुमार तुम कलकत्ता से तो डॉक्टर आप ही साथ में मेरा पति कह रहे हैं। आपके दलाल आपके डॉक्टर साहब सभी लोग तो बता रहे हैं कि ये आपके पत्नी हैं। अबे घसीटे और मैं पौड़ा बनाऊंगा, ये औरत मुझे पौड़ा करके छोड़ेगी। आपकी बहन और आपके बहन के बड़े वाले पति अब सभी लोग तो मान लेंगे कि ये कुमार साहब है, अब किस बात की परेशानी है? मैडम जी अब तो मुझे इजाजत दीजिए, सभी लोग तो बोल रहे हैं ये ही आपके पति हैं। तीन मिल गया इंस्पेक्टर, सच बोल रहा हूँ
जहाँ तक निशान की बात है, जाके देखो उसके पीठ के पीछे काला सा तीर का निशान। फूल बनाया तो
उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया, अप्रैल फूल बनाया। कौन? मैं तुम्हारा पति कुमार। कुमार, कुमार?